गाजा में इजरायली फौज पर हमास के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हमास की रफा से लेकर अन्य शहरों तक पकड़ दोबारा मजबूत होती जा रही है और आईडीएफ का हमास का खात्मा करने का मिशन एक पहेली बनता जा रहा है जो फिलहाल सुलझ नहीं रहा है। दरअसल दक्षिणी गाजा के रफा शहर में हमास के साथ गाजा के अन्य छोटे बड़े प्रतिरोधी संगठन एक साथ मिलकर आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में रफा के याबना कैंप में अवदल्ला जंक्शन में अलकुज ब्रिगेड के लड़ाकों ने आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहां पर हमास के लड़ाकों ने एक बिल्डिंग पर टीबीजी गोलों से हमला किया है जिसमें इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी। अलकुज के लड़ाकों ने इस बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ गोला बारूद बरसाया है जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकुज के कुछ लड़ाके पहले तो एक खंडर पड़ी इमारत में छिपे रहते हैं और फिर ये छिपकर बाहर निकलते हैं और खंडरों के भीतर से ये दोनों लड़ाके सामने की एक बिल्डिंग पर निशाना लगाते हैं और इसी बिल्डिंग में आईडीएफ के सैनिकों ने पोजीशन ले रखी होती है और फिर एक लड़ाका बीच रास्ते में आकर उस बिल्डिंग पर टीबीजी गोला फायर कर देता है। इसके बाद वीडियो में आईडीएफ के कुछ जवान सामने के रास्ते में नजर आते हैं और उनके आगे आईडीएफ का एक सैन्य वाहन भी होता है और इन सैनिकों पर पीछे से अलकुज के लड़ाके घात लगाकर फिर गोले फायर कर देते हैं। इन हमलों के बीच अल कासिम ब्रिगेड ने भी दक्षिणी लेबनान से आईडीएफ की 300वीं ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर रॉकेट का एक पूरा साल्वो ही फायर कर दिया। आईडीएफ का यह सैन्य अड्डा शुमेरा में है जिसे हमास कब्जे वाला उत्तरी फिलिस्तीन मानता है। आपको बता दें कि हमास ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हरियाली के बीच से एकाएक कई रॉकेट दनादन आसमान की तरफ फायर हो रहे हैं। वहीं इन हमलों के बीच वेस्ट बैंक में हमास से जुड़े प्रतिरोधी संगठनों ने इजरायली सेना के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। यहां पर बेतलहम के देशेह रेफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना और प्रतिरोधी लड़ाकों की सीधी भिड़ंत हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये आरोप लगाया गया है कि इजरायली सेना ने बेतलहम में फिलिस्तीनियों के कई घरों पर हमला किया है। इसके अलावा अलसामू कस्बे में भी इजरायली सेना ने छापेमारी की कार्रवाई की है और इन्हीं छापेमारियों के दौरान कलकिलिया में आईडीएफ की स्पेशल फोर्स के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। अलक्सा के लड़ाकों ने यहां पर आईडीएफ के ऊपर मशीन गन से हमला करने का दावा किया है और इससे एक दिन पहले 21 जुलाई 2024 की शाम को आईडीएफ ने एक वाहन को आईडी ब्लास्ट में उड़ा दिया था। इसके अलावा पूर्वी अल खलील के बानी नाइम कस्बे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक फिलिस्तीनी युवा इजरायली सेना द्वारा कब्जा की गई जमीन पर आग लगाता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से गाजा में युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही वेस्ट बैंक में बार बार प्रतिरोध की आग भड़क रही है और इजरायली सेना इन हालातों में रोजाना छापेमारी की कार्रवाई कर रही है।